हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिस्कस करेंगे इस क्लास में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन जो कि आधारित है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के ऊपर। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ऐसा गिवन है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2018 8 लाख, 2019 9 लाख, 2 साल प्रोवाइडेड है, 2 ईयर्स 18 एंड 19, और उनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस अमाउंट्स और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसमें है 40% ऑन सेल्स 2018 में और 2019 में 50% ऑन सेल्स। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, 2018 में 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड 2019 में 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट है इनकम टैक्स, 2018 में 50% एंड 2019 में 50%। क्वेश्चन हमने समझ लिया, अब सॉल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमें इन कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, जिसमें हम पहले प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर्स, फिर रहता है हमारा 2 साल जो क्वेश्चन में गिवन रहता है, जैसे कि 2018 एंड 19 आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 2 कॉलम एक्स्ट्रा हम बनाते हैं, वो है एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। राइट, आप सबको याद आ गया होगा। तो जैसे कि पहले इन्फॉर्मेशन था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट आई हैव रिटन हियर 8 लाख एंड 9 लाख। फिर हम क्या करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। सो 9 लाख माइनस 8 लाख, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, ऐसे करने से हमें एब्सोल्यूट चेंज मिल जाता है 1 लाख। अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी बाई ए इंटू 100। यहाँ पर 2018 को आप ए मानोगे, 2019 को बी, और एब्सोल्यूट चेंजेस को सी। सी निकालने के लिए हमने क्या किया, बी माइनस ए, और अभी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी है परसेंटेज चेंज, उसको निकालने के लिए सी बाई ए इंटू 100, मतलब वही 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100। अब कैलकुलेशन आप करोगे तो 12.5 आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सो ये कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करके, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है। राइट, सो आई होप वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या फिर अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। सो क्वेश्चन में देखो, ग्रॉस प्रॉफिट 2018 में गिवन है 3,20,000 एंड 2019 में है 4,50,000। राइट, सो अगर ग्रॉस प्रॉफिट 3,20,000 है और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने पहले लिखे थे वो था सेल, सो वो अगर 8 लाख है, तो सेल 8 लाख, प्रॉफिट 3,20,000, तो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कॉस्ट कितना होगा। कॉस्ट कितना होगा, ऑब्वियसली सेल माइनस प्रॉफिट करेंगे तो कॉस्ट मिल जाएगा, तो 8 लाख से हमें क्या करना है, 3,20,000 को माइनस करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा 4,80,000, जो कि सेकंड में लिखा गया है, जो लेस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। समझ में आया कि ये जो सेकंड में लिखा गया है उसको कैसे ढूंढना है, मीन्स 8 लाख से 3,20,000 को माइनस करो तो 4,80,000 निकल जाएगा। सेम वे से 9 लाख से 4,50,000 को माइनस करेंगे तो 4,50,000 आ जाएगा। सेल से प्रॉफिट को माइनस करके कॉस्ट निकाल रहे हैं, सेल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। अब तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो पहले सेकंड वाला करते हैं। सेकंड में है 4,80,000 और 4,50,000। राइट, सो 4,80,000 माइनस 4,50,000 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 30,000, और 30,000 बाई 4,80,000 करेंगे तो हमारे पास इंटू 100, सो परसेंटेज चेंज कितना आएगा, 6.25। फिर देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में 3,20,000 और 4,50,000 है। राइट,
4,50,000 माइनस 3,20,000 करेंगे तो 1,30,000 आएगा। फिर 1,30,000 बाई 3,20,000 इंटू 100 करेंगे, मीन सी बाई ए इंटू 100, सो आंसर आएगा 40.63% चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया। फिर देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से हम लेस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि क्वेश्चन में गिवन है, 64,000 एंड 67,500 मीन्स गिवन है। इस वजह से कैसे देखो, ग्रॉस प्रॉफिट में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में 40% ऑन सेल्स था और इधर था 50% ऑन सेल्स। तो तुम सोचोगे कि ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कैसे निकाला था, सिंपल सेल्स वही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो 8,00,000 गिवन है। सो 8,00,000 का 40% कितना होता है, 3,20,000, उस हिसाब से ग्रॉस प्रॉफिट का 3,20,000 लिखा गया था। फिर है 9,00,000 का 50%, सो 9,00,000 का 50% 4,50,000 होता है, सो दैट वहाँ पर 4,50,000 लिखा गया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऐसे निकाला गया था। अब अभी जो डील कर रहे हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसका देखो 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और वो है 15% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो अमाउंट है उसके ऊपर चार्ज करना है। सो 2018 में ग्रॉस प्रॉफिट था 3,20,000, उसका 20% करोगे तो 64,000 आएगा। और 2019 में 50% सॉरी 19 में ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था, 19 में ग्रॉस प्रॉफिट आया था 4,50,000, राइट। तो उसका अगर 15% करोगे तो तुम्हें मिलेंगे 67,500। तो मिल गया हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो अब हमें बस डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं। तो 67,500 माइनस 64,000 करेंगे तो कितना आएगा, 3,500, राइट। कितना आएगा, 3,500। अब सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट चेंज निकाल लिया हमने, मीन्स डिफरेंस निकाल लिया, तो अब हमें परसेंटेज चेंज करना है। परसेंटेज चेंज में हम 3,500 डिवाइडेड बाई 64,000 इंटू 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर 5.47, राइट। ये सब तुम खुद से कैलकुलेट करना, ठीक है, ऐसे ही आंसर मत लिख लेना, खुद से कैलकुलेट करके देखना कि ये आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में तुम्हें खुद से ही करना है। तो ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो ये सब कैसे करते हैं वो सीख जाओगे। अच्छा एक और बात, वो सेकंड कॉलम में देखो 2019 में स्मॉल नंबर है और 2018 में बिग नंबर, हालांकि बाकी सब केस में 2018 में स्मॉल नंबर होता था और 19 में बिग नंबर, तो बाकी सब तो ठीक थे। वो 2002 में जो लिखा गया है उसमें तुम ये कर देना कि जो 30,000 आया है उसको ब्रैकेट में लिख देना और परसेंटेज चेंज को भी ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। बी बाई ए करेंगे तो माइनस फिगर में आ जाएगा ना, 4,50,000 माइनस 4,80,000, दैट इज़ द रीज़न आई एम टेलिंग। सो आगे बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेस कर लिया, उसका हिसाब भी कर लिया, तो अब जो बैलेंस आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बैलेंस कैसे आएगा, 3,20,000 से 64,000 को माइनस करना है, देन वी विल गेट 2,56,000 जो कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सेम वैसे 4,50,000 में से 67,500 को माइनस करना है, देन वी विल गेट 3,82,500। फिर इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है जो कि एब्सोल्यूट चेंज में आएगा 1,26,500 बी माइनस ए करके। फिर हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, सो 1,26,500 बाई 2,56,000 इंटू 100, देन वी विल गेट 41। नेक्स्ट लेस इनकम टैक्स करना, इनकम टैक्स क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 50% बोला है ना, तो जो भी अमाउंट है उसका आधा लिखना है। तो 2,56,000 यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया था, उसका 50% यानी कि आधा कर देंगे, देन वी विल गेट 1,28,000। और ठीक वैसे ही 3,82,500 का आधा कर देंगे, देन वी विल गेट 1,95,250। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 63,250, एंड परसेंटेज निकालेंगे तो 63,250 बाई 1,28,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 49.41।
क्लियर, परसेंटेज चेंज हो गया, एब्सोल्यूट चेंज हो गया। लास्ट वन इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से इनकम टैक्स को माइनस कर देंगे, देन वी विल गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 256,000 से उसका आधा 1,28,000 माइनस कर देंगे तो 1,28,000 ही मिलेगा ना बाकी के आधा। सेम वे में दूसरे में भी देखो 1,95,250 माइनस कर देंगे तो फिर से हमें 1,95,250 मिलेगा ना, 50% माइनस कर रहे तो रिमेनिंग 50% आएगा जो कि सेम टू सेम ही होगा। सेम वे में उनका डिफरेंस भी सेम आएगा और परसेंटेज भी सेम आएगा। तो इसी के साथ हमने कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ख़त्म कर लिया। ये बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत 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 ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस एक बार देख लो तुम्हें आराम से ये करना आ जाएगा। ठीक है, 2018 और 19 के सारे इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में ही गिवन था, हमने बस एब्सोल्यूट चेंज निकाला और परसेंटेज चेंज किया। बस डिफरेंस का मतलब है एब्सोल्यूट चेंज, और परसेंटेज चेंज तो तुम्हें कैसे करना है, C/A × 100, बस इतना ही करना है, ईजी है ना। आई होप ये तुम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे और नेक्स्ट टाइम कोशिश करोगे कि सिर्फ क्वेश्चन को देख के तुम सोल्व कर लो, ताकि बिना आंसर देखे भी तुम्हें सोल्व करना आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज़ मिस्टर सुप्रियो साइनिंग ऑफ।